हेलो जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी जस्ट सो के उठी हूँ, शूट था आज यार और बहुत थक गई थी तो सो गई। अभी 6:40 हो रहे हैं। सर भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कभी आई मेकअप नहीं करती हूँ, जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ ना तो मुझे नींद आने लग जाती है, मेरा सर हैवी होने लग जाता है। तभी मैं फटाफट सोच रही हूँ अपना मेकअप उतार दूँ। नहीं, मेकअप अभी नहीं उतारती, पहले पापा का केक कटवाती हूँ, क्योंकि आज पापा का बर्थडे है तो वो बस आते ही होंगे, तो पहले केक काटेंगे हम लोग, फिर उसके बाद अपना मेकअप रिमूव करूँगी। बड़ी इरिटेशन होती है यार, जब भी अभी बहुत टाइम हो गया मेरे को प्रॉपर फुल मेकअप किए हुए ना, और जब भी करती हूँ तो सुस्त हो जाती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि उतार दो, फ्रेश हो जाओ, ऐसा फील होता है। तो मैं तो ऐसे ही सो गई यार, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना मेकअप रिमूव करूं। बहुत मुश्किल से मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और पोस्ट किया, वो भी नींद में। अब कई बार तो व्लॉग एडिट करते करते मुझे नींद आ जाती थी, तो फिर दोबारा देखती थी भाई कहीं कुछ एडिटिंग में मिस्टेक तो नहीं हुई। तो एडिट कर कर के फिर मैंने पोस्ट किया, उसके बाद सो गई मैं। और अभी उठी हूँ, सोई भी मैं कितने बजे, 5 बजे, हार्डली 1.5 घंटा सोई हूँ। पर ठीक है यार, 1.5 घंटा सो के भी थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। अभी चाय बनाऊँगी तो थोड़ा सर दर्द भी कम होगा, क्योंकि 4 बजे की चाय नहीं पी है, तो अभी पीऊँगी 7 बजे। 2 टाइम चाय पीती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग, तो वो भी जस्ट पीऊँगी। और उसके बाद मैंने हीर के भी आउटफिट चेंज करनी है, क्योंकि उसके नानू का बर्थडे है आज, तो उसको भी अच्छे से रेडी करूँगी और फिर मैं भी कुछ अच्छा सा पहन लूँगी। पहले चाय पी लें और एनर्जी लेके आऊँ अपने अंदर, जो सुबह वाली एनर्जी थी शूट के टाइम, वही एनर्जी दोबारा। एक्चुअली आदत नहीं रही यार अभी ऐसे, ऑब्वियसली शूट की बहुत टाइम हो गया, तो 9 बजे का टाइम था पहले कि 9 बजे आ जाएंगे शूट की जो भी टीम है, तो मैं उठ गई थी 6 बजे, क्योंकि मुझे ताकि मैं मनीर को अच्छे से उसका टमी फुल कर दूँ, फेड करवा दूँ, और फिर वो एटलीस्ट 3-4 घंटे सो जाएगी तो मेरा शूट भी हो जाएगा। बट वो लोग ही आए 10:30 बजे, तो सोचो 6 बजे अगर फीड कराया तो 10:30 बजे वो लोग आए, तो मन ही 9 बजे फिर से उठ गई, उसको फीड वगैरह कराया, पर उसके बाद वो सोई नहीं, तो फिर मम्मी ने उसको संभाला। और फिर 10:30 का शूट जो था वो 2:30 बजे तक चला, 4 घंटे। तो फिर 4 घंटे बाद फिर मनीर को मैंने फिर से उसको फीड वगैरह दे के सुलाया, बट वो सोई नहीं, क्योंकि उसका भी ऐसा पैटर्न हो गया है कि रात को अच्छे से सो जाती है, दिन में मतलब नैप्स ले लेती है। अभी जैसे कि सो रही है मेरे साथ, मैंने उसको अपने साथ ही सुला लिया 5 बजे, तो ऑलमोस्ट उसको 1.5 घंटा हो गया सोते हुए, तो मेरे साथ ही सो रही है। तो मैं अगर साथ में हूँ तो वो आराम से सो जाती है, अगर मैं नहीं हूँगी तो उसको अगर तुम बेड पे डालोगे गोदी पे तो सो जाएगी, बेड पे सुलाओगे तो एकदम से उठ जाती है, बहुत ही कच्ची नींद है। तो अभी बस फटाफट चाय पीती हूँ, फिर मनीर को भी उठाती हूँ और उसको भी अच्छी से आउटफिट पहनाती हूँ। और ना आज मेरा हाथ भी जल गया यार, कौन सा हाथ था, ये वाला, ये अंगूठा जल गया, देख रहे हो कि रेड हो रखा है, और ये चीची यहाँ से चल गई। एक्चुअली शूट था तो हेयर जो है वो मैं स्ट्रेट कर रही थी अपने, और दिमाग से निकल गया कि जो स्ट्रेटनर है वो मैंने ऑन कर रखा है, तो भाई साहब जो उसकी वो होती है प्लेट होती है जहाँ से बाल स्ट्रेट करते हैं वहीं से पकड़ लिया, और इतनी गंदा जला ना कि, पर उस टाइम पे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि फटाफट चीज़ें कर रहा था, उस टाइम इतना वो नहीं पता चला क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी में थी कि मुझे फटाफट रेडी होना है, आने वाले हैं लोग, ये वो, तो इतना मैंने नहीं गौर किया, इग्नोर किया, अभी सो के उठी हूँ। अभी फ़ोन भी पकड़ा हुआ है ना अंगूठे से, तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि आटा लगा लो, आटा लगाया तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ, बट अभी उठने के बाद फिर से पेन होने लग गया। सो गाइज, अभी शुरू करेंगे हम केक कटिंग, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, पापा भी अपनी अच्छे से पगड़ी वगैरह बांध के रेडी हो चुके हैं, मनी को भी मैंने रेडी कर दिया था शादी लाके, मामा भी रेडी हो चुके हैं, तो अभी फटाफट केक लगाते हैं और फिर काटते हैं। लगे हुए हैं मनीर के साथ खेलने, चलो केक लग चुका है, लेट्स गो। तू चखोगे? हाँ
चलो चलो वाह पग डैडी पांच मिनट लाने बनन पांच मिनट लाने पग बनन है ना अज देखा तुसी जिहड़ी आपां ऐड कीती है उहते तुहाडी आउट मेरी आउटफिट ते तुहाडी पग मैच हो गई है अच्छा हाँ सेम सेम कलर है मम्मी डैडी और मेरी मेरे कपड़े जिहड़े अज पाए सी और डैडी दी पग दोनों मैच हुई है चलो जी सो अभी विक्की को करेंगे वीडियो कॉल कितने मम्मी थोड़ा फोन तो विक्की को भी अभी वीडियो कॉल करते हैं और फिर सारी फैमिली इकट्ठा होगी क्या कहती कि देखती हूँ अभी को भी कॉल करके अगर अभी फ्री होंगे तो अभी को भी कॉल कर लेती हूँ वीडियो कॉल जी कितने साल दे मैं हो गया 60 साल सिक्सटी ईयर्स 60 साल की जर्नी का पता नहीं चलिया पता नहीं चलिया ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਜੁਗਨੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਪਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ठीक है ओथे तुहाडी रील आई बहुत पुरानी 6-7 पुरानी और तुहाडी दाढ़ी काली हां ओ मैं दिखाऊंगी हूं तुहानू आपको भी दिखाती हूं मैं कौन सी है वो चलो मैं कुड़ी नु किवें लमकाया तू आ फड़े नु ला के तो हम सिंह के नु रख सो विक्की इज हियर ओ तो नौने मोमती हां आओ पुत्री गाना नहीं याद कोई याद है हेलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे चलो भाई केक कटिए फिर चलो भाई आज मैं हो गया 60 साल दा है 60 साल तो बाद फिर टैग लग जाता है ना की टैग हाँ मतलब मेरा तो मतलब मेरे भाई गुस्सा गला ना करया करो इस बार कोई ऊंच नीच हो जाती है हैं ਉਹ ਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਚਲੋ ਬਾਈ ਚੱਲੀਏ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾ ਕਰ ਸੱਚਾ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. मैं चम्मच लेके आई सॉरी रुको रुको डैडी वेट चम्मच से Happy birthday पुत्री Happy birthday.
ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਹੋਗੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡੜੀ ਚਿੱਟਾ ਕਹਾਂਗੇ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਮੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਦੋ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲਾ ਬਾਈ ਲਫੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੋ ਕੰਚਨ ਵਿੱਕੀ ਲੋ ਬਾਈ अरे खड़ खड़ ओपन योर माउथ कंचन तुम भी बोल खोलो मुंह खोलो अब पार्टी करने जाके बाहर ठीक है अभी तक खर्चा मेरे से आज मैं मेरे कनी हो कर खाओ सेठी वाले टापे ते जाओ सेठी वाले टापे ते रोटी खाओ जाके खाना है क्या के खा लेना फिर उस बाद ही प्याज भुन लेने हैं आज पकोड़े बन नहीं कल जावांगे हवेली वी आर गोइंग टू हवेली टुमारो कल मुल्ला पर हवेली और लेके जावांगे ड्राइवर ओके शाम में जाना फिर कौन सा गाना सुनाया शुरू तो डैडी शुरू तो गाओ सो गाइस डैडी जी डिमांड पे गाना गा रहे हैं मनहीर के लिए ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੜੇ ਕਿੜੇ ਹੱਸਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਪੂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਪੂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਣੇ ਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਤਲੀ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਆਖਦੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਕੋਈ ਪਰੀ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਕੋਈ ਪਰੀ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਾਣਾ ਗਾ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ